मध्य प्रदेश में फिर से साल 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले चंबल में जातियों पर राजनीति शुरू हो गई है। भिंड में बड़ी संख्या में छोटे कर्मचारियों के किए गए तबादलों को लेकर पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने एक बार फिर से सीएम शिवराज सिंह चौहान को घेरा है। उन्होंने सीएम को सवर्ण विरोधी होने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि छोटे कर्मचारियों के जो ट्रांसफर किए गए हैं उसमें सबसे ज्यादा सामान्य जाति है और ये तबादले बीजेपी के छोटे नेताओं के इशारों पर हो रहा है। गोविंद सिंह ने यह भी कहा है कि शिवराज सिंह चौहान सवर्णों के विरोधी हैं। उन्होंने अकेले भिंड के 80% सवर्णों का ट्रांसफर कर दिया है। वहीं डॉक्टर गोविंद सिंह के बयान पर प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पलटवार किया है। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि बीजेपी जाति की राजनीति नहीं करती है। इस धरती पर अवंतीबाई पैदा हुई हैं, बिस्मिल्ला खान पैदा हुए हैं, रानी लक्ष्मीबाई की नगरी है। भारत की माटी में अगर लक्ष्मीबाई पैदा भी हुई है तो हमारे पैदा हुए हैं, हमारे अवंतीबाई लोधी भी पैदा हुई हैं, आदरणीय महारानी झलकारी भाई भी पैदा हुई हैं, तो ये धरा पर सब लोग। गोविंद सिंह जी ऐसा क्यों आरोप लगा? देखो, ये उनका व्यक्तिगत सोच है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं।